जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर लास्ट आइस एरिया क्या होता है। क्या होता है लास्ट आइस एरिया, यह आखिर क्या होता है, इसके बारे में हमसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लास्ट आइस एरिया ऐसी एरिया है जहां के बर्फ सन 2100 मतलब इस समय तो 2021 चल रही है, पूरा 2100 यानी कि सन 2200 तक नहीं पिघलेगी। ऐसी एरिया है वह कि जहां की बर्फ सन 2200 तक नहीं पिघलेगी, ऐसा मतलब भविष्यवाणी की गई थी मौसम विभाग द्वारा। ये पड़ता कहां है एरिया, आपका इंडिया, इस एक छोटा सा ग्लोब मैंने बनाने का प्रयास किया है, इंडिया आपका यहां पड़ेगा ऐसे करके, यहां पे पड़ता है अमेरिका ऐसे नीचे, इसके ऊपर एरिया एक कनाडा वाला पड़ता है, कनाडा के पीछे इधर पीछे पड़ता है ग्लेशियर, ग्लेशियर में एक ऐसी एरिया है लास्ट आइस एरिया। लास्ट आइस एरिया के बारे में कहा गया था कि इसका बर्फ कभी भी पिघल ही नहीं सकता। आप जान लीजिए कभी भी सन 2022 तक, 2000 चल रहा है इसलिए निकल रहा है मुझसे, सन 2200 तक इसका बर्फ मतलब आज से लगभग 200 साल बाद तक भी इसका बर्फ नहीं पिघलेगा। यही इसके बारे में भविष्यवाणी की देखी, क्योंकि कारण क्या है कि अपना सूर्य यहाँ चलता है, यहाँ चलता है, तो यहाँ इसकी जो गर्मी पड़ती है यहाँ तक पड़ती है। कनाडा में टेम्परेचर लगभग ये कनाडा पड़ा, कनाडा का टेम्परेचर 19.5 डिग्री ज्यादा होता नहीं है, इस बार बढ़ गया है 50 डिग्री सेल्सियस। मैंने वीडियो बनाया है कि क्यों बढ़ा कनाडा का टेम्परेचर इतना ज्यादा, देख लीजिएगा। इसके उस पार जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचने की कोई वही नहीं, कोई जुगाड़ ही नहीं है, वहां पड़ता है ग्लेशियर, और ग्लेशियर में बर्फ कभी पिघले नहीं, प्रकाश अगर नहीं जाएगा तो बर्फ नहीं पिघलेगी। उसके बाद में या आगे यहाँ आपका इंडिया पड़ेगा, तो आप सभी जानते हैं। तो लास्ट आइस एरिया जानते हैं क्या होता है, ऐसी जगह जिसकी बर्फ सन 2022 तक नहीं पिघलेगी उसे लास्ट आइस एरिया बोला गया था वैज्ञानिकों द्वारा, लेकिन हुआ जानते हैं क्या है, थोड़ा पता नहीं क्यों बोलते बोलते वीडियो बनाते बनाते खांसी आ रही है, कि लास्ट आइस एरिया का बर्फ जो है पिघल गया है, और ये पूरा यहाँ से समुद्र है, टोटल समुद्र है इतना एरिया, टोटल कहीं आइलैंड वगैरह होगा तो उससे कोई बात नहीं, लेकिन टोटल समुद्र है, जिसके कारण क्या हुआ ग्लेशियर, अगर लास्ट आइस एरिया पिघला मतलब ग्लेशियर पिघला, ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जो जलस्तर है 6 mm ऊपर बढ़ गया है। 6 mm जलस्तर का ऊपर बढ़ना लगभग आपका लक्षद्वीप आधा मतलब लक्षद्वीप के कुछ किनारे डूब गए हैं, लक्षद्वीप मालदीव के कुछ किनारे डूब गए हैं, और बहुत से छोटे छोटे आइलैंड हैं जो यहाँ पर हैं, इंडिया से यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड बहुत से हैं जो धीरे धीरे करके डूब रहे हैं। अब ये आप लोग समझ लीजिए कि अगर पूरी ग्लेशियर पिघल जाए तो क्या होगा जानते हैं, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, आप लोग जान लीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, अगर उधर ग्लेशियर पिघल भी रहा है तो इधर उसका जुगाड़ बनेगा, जैसे 20 साल में दवाई कभी बन के तैयार होती है ना, लेकिन इस बार कोरोना के लिए जल्दी पड़ी, 1 साल में दवा बन के तैयार हो गई, तो आप लोग टेक्नोलॉजी पर भरोसा रखिएगा, उसका भी जुगाड़ बनाया जाएगा। लक्षद्वीप और मालदीव अगर डूब जाएंगे तो धीरे धीरे केरला, अपना मुंबई, ये सारी चीजें भी डूबने के करार पर धीरे धीरे करके आ जाएंगी। तो किसी तरीके से ग्लेशियर को पिघलने से रोकना है, इसके लिए कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीनें भी वहां पे अप्लाई कर दी गई हैं, जो क्या करती हैं कि बर्फ को मतलब ऐसे जाएंगी, पूरा पानी भरेंगी, पानी को बर्फ बनाएंगी, फिर नीचे डूब जाएंगी, बर्फ ऊपर तैरती रहेगी, सब अपना सिस्टम चल रहा है वहां पे कि जो बर्फ पिघली उसको हम दोबारा बर्फ बनाएंगे। ये बर्फ पिघलने का मेन कारण क्या हुआ, वो ग्लेशियर क्यों आखिर पिघला, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है। उसके पीछे कई कारण है, पहला ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा हीट डोम, तीसरा जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हवाएं हैं उधर जा रही हैं, इस बार कनाडा का टेम्परेचर बढ़ा जिसके कारण ग्लेशियर पर भी टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इसको इसके बारे में बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि ग्लेशियर के पिघलने का कारण आखिर क्या है, क्यों पिघल रहा है ग्लेशियर, और इसको रोकथाम के क्या उपाय हैं, ये आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट आइस एरिया क्या होता है यही बताना मेरा इस वीडियो में मेन उद्देश्य था, आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।